Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, अब हम equation of motion को graphical method से drag करेंगे. See किस तरह से हम drag करेंगे. So equation of motion by graphical method. इस तरह से यहाँ पे derivation होगा. First of all तो मैं आपको बता दूँ कि जो graph paper आप graph use करेंगे किस तरह. Since student इस graph में जो है t जो time है आपने x axis यानी O से लेकर C तक और A से लेकर D ये दोनों सेम है ये आपने टाइम लिया एंड y एक्सिस पर आपने वेलोसिटी v लिए e यानी o दैट मींस ये आपका क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप क्या निकालेंगे इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप ये स्लोप निकालेंगे स्लोप इसमें से इरेज कर देता दिस स्लोप स्लोप इसका आपको क्या बताएगा स्लोप बताएगा v / t यानी के एक्सीलरेशन और यहाँ पर एरिया क्या बताएगा यानी v into t यानी के डिस्प्लेसमेंट ऐसा आपका बताएगा अब ये जो ग्राफ है हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है ग्राफ स्टार्ट होता है फ्रॉम a टू b yes. यानी के फाइनली जब वो स्टार्ट हुआ तो उसकी ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी ओ ए यानी के u के बराबर है दैट इज c v तो ये इक्वल और फाइनल वेलोसिटी तक ये कहाँ पर पहुंच गए स्टूडेंट डी से लेकर बी तक ये फाइनल वेलोसिटी हो गए जो कि v ये बी से लेकर सी तक ये फाइनल वेलोसिटी अब स्टूडेंट यहाँ पर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं सी तो डेरिवेशन स्टार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल AO और CD के बारे में बता दूं साथ ही में बात इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ग्राफ में क्या है तो अगर आप देखें यहाँ पर AO एंड CD दोनों इक्वल हैं जो कि इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल है और साथ ही हमारा v इज इक्वल टू CB प्लस BD CD प्लस BD ये हमारा CB है जो कि फाइनल वेलोसिटी Now students, साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा टाइम टेकन क्या है AD और CO AD और CO ये दोनों सेम आपका टाइम टेकन Now अब this is time taken by the body. अब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी v इज इक्वल टू यू प्लस AT के बारे में आपसे ट्राई कराऊं तो C यहाँ पर अगर आप देखें फाइनल वेलोसिटी सिंस फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना हो गया इसमें CB बराबर CD प्लस BD इसके बराबर होगा आपका हमने यहाँ पर देखा V is equal to CD plus BD Now student अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं this V को U plus BD और इसे मार्क कर लूं first क्यों कर लूं क्योंकि CD हमारी U के इक्वल है तो मैंने CD की जगह U लिखा इसे मार्क कर लिया first Now student see अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे Now slope of the velocity time graph जो कि acceleration आएगा यानी कि BD upon AD और AD यहाँ पर कितना है AD की वैल्यू 2 है एज यू कैन सी AD की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा BD की वैल्यू मिलेगी और BD इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा BD इज इक्वल टू AT आ जाएगा क्योंकि सेकंड अब ये BD इज इक्वल टू AD जब आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो आपको क्या मिलेगा V इज इक्वल टू यू प्लस AT जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जब आप फर्स्ट में पुट करेंगे BD को AT ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन Now students, second equation of motion के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे second equation of motion यानी कि s is equal to ut plus half at square के लिए see किस तरह से अगर आप यहाँ पर क्या निकालेंगे displacement या distance जो कि area होगा s is equal to area of the figure ABCO see area of figure ABCO ये हमारा क्या आएगा displacement अब ये एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं ये एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCO प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADB ठीक है दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब यहां पर जो एरिया आएगा सी एरिया के लिए अब आप क्या करेंगे s इक्वल टू UT प्लस हाफ BD * AD UT मैंने क्या निकाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस AD into CD, अब AD कितना है आपका T और CD कितना है U, तो UT आ गया, plus area of the triangle कितना हो जाएगा, half BD into AD, तो half BD into AD, yes. अब student, यहाँ पर UT as it is रहेगा, half BD को रख दीजिए, AD कितना है, T के बराबर, time taken T के बराबर, now, so, अब BD is equal to कितना था, AT था, ये हमने क्या निकाला, from 2 से, तो अब मैं BD को अगर AT रख दूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, S is equal to UT plus half AT square, जो कि second, अब third drive करते हैं, student, third यानी के, for V square is equal to U square minus 2S, यहाँ के लिए, again हम area निकालेंगे, तो distance travel कितना आएगा,
आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। अगेन सेम फिगर ले रहा हूं लेकिन आपकी बार ये ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से ओ ए सी, ये ओ ए सी बी का एरिया कितना आ जाएगा सी। ये स्टूडेंट हमारा आएगा सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन मी टू, ये हमारा होता है और ये डिस्टेंस ट्रेवल ऐसे होता है, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से। अब सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड आपकी क्या है यहाँ पे, पैरेलल साइड है हमारी दिस ओ ए प्लस सी एंड ओ सी हाइट हो गए और ये टू को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया। ओ ए, ओ ए हमारा स्टूडेंट यहाँ पे कितना है, दिस टू है, ओ ए हमारा है यू एंड सी भी हमारा है वी और ये टी हमारा हो गया दिस। नाउ यहाँ से मैं आपको इस सारी वैल्यू जो है ये यहाँ से चाहिए, ये आ गई वैल्यू। नाउ अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट टी की वैल्यू दिस, एज यू कैन सी टी इज इक्वल टू यू प्लस दिस, ये टी की वैल्यू मैंने क्या लिखी v माइनस यू बाई ए, कहाँ से, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यहाँ से अगर मैं t को ड्राइव करूंगा तो मुझे t क्या मिलेगा v माइनस यू बाई, और अगर यहाँ पर मैं देखू a की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दू तो 2s क्या आएगा v प्लस यू एंड v माइनस, एंड यहाँ पर अगर हम a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो हमें क्या मिलेगा 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो इस तरह से थर्ड इक्वेशन भी आपने ड्राइव किया।